Hello future officers, my name is Rohit Garcha and this is Abhimanyu IAS, a platform which has more than 25 years of experience and has given out more than 2200 positive results since 1999. Every serious aspirant knows ki agar aapke current affairs sorted hain, that means you are practically ensuring your selection in any civil service for that matter. Now this video is part 1 of the series जहां पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट वन है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहां पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहां पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंटआउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स, लेट्स बिगिन. हो गया, मिल गया सबको. फिर वही गलत सवाल पूछ लिया मैंने, है ना, जिसमें सबको हाँ बोलना पड़े. ऐसा सवाल मैं क्यों पूछता हूँ. किसको नहीं मिला? ठीक है. एक बारिश पड़ी नहीं, तुम्हारी हुडीज निकल आई हैं. ठीक बच्चे, यहाँ से ले जाओ ये प्लीज. ये पढ़ो. ये सारे ले जाओ यार अपना. ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन. यार आप लोगों के आंसर्स तो इम्प्रूव कर गए यार. नाइस, गुड वर्क. अब क्लियरली उसमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है. नाउ यू हैव अंडरस्टूड, मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि कंटेंट वही है. अगर वीमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो उसमें चार पांच ही फैसेट हैं इसके ऊपर लिखना है. बस बदलेगा क्या, अंदाज़े बयां कि अब कहते कैसे हो, उसको बयान कैसे करते हो, उसी लिमिटेड नॉलेज को कहना कैसे है. राइट, एक चीज, दिस इज टाइम व्हेन आई टेल यू दिस वन पर्टिकुलर थिंग कि इन आंसर्स में ना पूरी मेहनत डालना, बिकॉज दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर दैट यू विल कैरी विद यू. यही तुम रिप्रोड्यूस करोगे वहां जाके एज इट इज. कोई नया स्ट्रक्चर तुम सोच पा रहे हो, सोचो, इंप्लीमेंट करो. वहां जाके तुम नया स्ट्रक्चर नहीं सोच सकते. आई विल रिपीट, वहां जाके तुम नया स्ट्रक्चर नहीं सोच सकते. इसको ले जाओ स्टेटमेंट को साथ, अपने दिमाग में रखना. तो अगर आप अपना अट्रैक्टिव आंसर रखना चाहते हो, सो दिस इज द टाइम कि आप इसके अंदर जो ट्राई करना है वो ट्राई करो, क्योंकि जो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन होगी आप एज इट इज यही सेंटेंस फॉर्मेशन वहां करके आने वाले हो. राइट, वहां पे कुछ नया नहीं सोच पाओगे, एज सिंपल एज दैट. राइट, जो भी यहाँ पे कुछ लोगों के आंसर सच में बहुत अच्छे आ रहे हैं. स्ट्रक्चरिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान दो कि हेडिंग सब हेडिंग थोड़ी सी आप डालिए उसमें, जो आप स्ट्रक्चर आपके दिमाग में चल रहा है ना कि यार दिस लीड्स टू दिस और उसके अंदर ये फैक्टर्स हैं, ये वो सारे फैक्टर्स दिखने चाहिए क्लियरली. जस्ट इमेजिन कि अगर मैं आपको जो आपके ये नोट्स हैं इसको मैं रनिंग हैंड में पकड़ा दूं, आपको कंटेंट यही होगा लेकिन स्ट्रक्चरिंग नहीं होगी कि फाइंडिंग्स क्या है, रिपोर्ट क्या है, ये है वो, कोई स्ट्रक्चरिंग नहीं होगी. आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बता दूंगी, कंटेंट सेम रहेगा, कुछ फर्क नहीं आएगा कंटेंट में, सिर्फ बुलेट पॉइंट हटा दूंगा मैं. सो आपका भी मन नहीं करेगा उसको पढ़ने का, आपको एफर्ट लगेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है ना. साफ क्यों नहीं कहते हो. राइट, तो कंटेंट वाइज आपका काम ठीक चल रहा है. आप थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग के ऊपर और काम कर सकते हो. कुछ लोगों का उसमें भी बढ़िया आ गया. राइट, तो मैंने मेंशन भी किया हुआ है आंसर्स में. तो जिन लोगों की स्ट्रक्चरिंग भी अच्छी आने लग गई है, नाउ मूव फर्दर और तुम लोग ना थोड़े कोट्स वगैरह इंक्लूड करने शुरू करो. राइट, वो जो हम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं ना, आपको रोज एक कोट दिया जाता है, वो बड़े सोच समझ के कोट्स दिए गए हैं आपको, वो सारे इन्हीं चीज़ों पर है जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं. राइट, तीन, मतलब अगर हमारे महीने में 4 क्लासेस हैं, 3 कोर्स उसमें ये होते हैं जो कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लगा सकते हो, इकोनॉमी के ऊपर लगा सकते हो, माइक्रो में लगा सकते हो, मैक्रो में लगा सकते हो, सोसाइटी पे लगा सकते हो. और एक कोर्ट उसमें होता है जो कि आपका दिमाग घुमाता है, फॉर योर एस ए पेपर्स. देखे ना एस ए पेपर,
समझ में आते हैं ऐसे पेपर? मेरे को तो वैसे लगने लग गया कि ऐसे पेपर इज नथिंग बट अ मिरर. जो भी आपका ऐसे पेपर आता है वो तुम्हें ना अंदर घुसने में मजबूर कर देता है, क्योंकि बाहर उसकी नॉलेज है नहीं. समझो मेरी बात को, उसकी बाहर नॉलेज नहीं है, तो जो भी आप लिखोगे आपके अंदर से ही आएगा. तो जितने शैलो आप होंगे उतना शैलो आंसर आएगा. एज सिंपल एज दैट. आप गहरा लिख ही नहीं सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो दिस इज द टाइम जब आप उसके ऊपर काम करोगे, इट्स अ रिफ्लेक्शन, राइट? चलिए चलें आगे, आ जाओ. ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसकी तो न्यूज़ वगैरह कवर कर दी हमारी मिनिस्ट्री ने, इसकी धज्जियाँ उड़ा दी. एंड एग्जैक्टली वही पॉइंट बोले हैं इसके अंदर जो हमने लास्ट ईयर डिस्कस किए थे, राइट? और वो मतलब वाई आई एम सेइंग दैट कि लास्ट ईयर हमने डिस्कस किए थे इज बिकॉज वो भी हमारे जैसा कोई होगा जिसने ये फाइनल स्टेटमेंट दी होगी ना. ऊपर से पॉलिटिशियन से ऑर्डर आ गया होगा कि ऐसे कैसे 111वां हमारा रैंक दे दिया. 111वां रैंक हमें इतना नहीं दुखा जितना हमें पाकिस्तान का 102 और श्रीलंका का 60वां रैंक दुखा है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज क्राइसिस में थी अभी. हाँ जी, हाँ जी बच्चे पढ़िए यहाँ पे. पाकिस्तान भी क्राइसिस में और फूड क्राइसिस, राइट? श्रीलंका भी क्राइसिस में और उनका रैंक हमसे अच्छा है, तो इस वजह से. और नेबरिंग कंट्रीज है, बॉर्डर लगता है दोनों के साथ में, तो स्टेटमेंट देनी जरूरी थी. स्टेटमेंट में वही सब बातें कही. तो हम इसको दो पार्ट्स में कवर करते हैं बच्चे. पहला तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या चीज, राइट? और फिर देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्रिटिसिज्म क्या दिया है. बाय द वे, हंगर क्या होता है वैसे? व्हाट इज हंगर? और हंगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सवाल अलग है ये. व्हाट इज हंगर पूछा है मैंने, पंजाबी ट्रांसलेशन नहीं मांगी उसकी. भूख की चीज है. चलो ये दस दो फिर. तो जो बंदा फास्टिंग कर रहा है तो मतलब ठीक है समवट करेक्ट. इसकी एक डेफिनेशन है, बड़ी एक लाइन की डेफिनेशन है कि हंगर इज द डिस्ट्रेस कॉज्ड ड्यू टू लो इनटेक ऑफ कैलोरीज. अगर आप लो इनटेक ऑफ कैलोरीज को हंगर मान रहे हो तो नहीं है, इट इज अ डिस्ट्रेस कॉज ड्यू टू दैट. और फिर से वही अमर्त्य सेन की डेफिनेशन आती है यहां पे. फिर से आपकी अमर्त्य सेन की डेफिनेशन आएगी यहाँ पे कि यार हंगर आपको ना आपके फुल पोटेंशियल को अचीव करने में बाधा बनती है. यू आर अनेबल टू अचीव योर फुल पोटेंशियल बिकॉज यू आर हंगरी, राइट? तो इसीलिए भी हमारे लिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक. किस किस को डॉक्यूमेंट नहीं मिला, ठीक है? अब ठीक है ना सवाल? अब रिस्पॉन्स भी आया इस पर. आप 5 ही दे देना सर. लिख लो इसको, हंगर इज द डिस्ट्रेस कॉज्ड. थोड़ा सा आइडिया पता होना चाहिए बेसिकली कि क्या पढ़ रहे हैं हम. हंगर इज द डिस्ट्रेस कॉज्ड ड्यू टू लो कैलोरी इनटेक फॉर persistent टाइम. तो यहां पे persistent टाइम इज द keyword. अगर आप देख पा रहे हो नहीं तो किसी का बर्थडे हो, भूख आप लोगों को अपने आप लग जाती है ना. वी कैन नॉट लेबल इट एज द हंगर, है ना, उसको लालची बोल सकते हैं. आइए बच्चे एक बारी डॉक्यूमेंट में देखिए. आप कुछ नहीं है इसमें ज्यादा. इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पे बोला है कि ये आपको ना कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर करता है आपकी और ट्रैक करता है आपकी हंगर को ग्लोबली, रीजनली और आपके नेशनल लेवल्स पे. सो अगर आपको रीजनली किसी चीज को ट्रैक करना हो तो आपको डेटा कौन सा चाहिए होगा? रीजनल, राइट? तो ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है इसमें ऑल ओवर इंडिया 3000 बंदों का ओपिनियन पोल लिया जाता है. जस्ट आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि इस डेटा की वैलिडिटी
के ऊपर, राइट। इसके अलावा हमारे पास पोषण ऐप है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स के मोबाइल में होती है, तो वहाँ पे वो टिक मार्क करते रहते हैं कि कितना खाना आया है, कितना गया है, राइट, और सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। तो पोषण ऐप हमारा कुछ और हाईलाइट कर रही है, उसने आई थिंक 7% के आसपास अंडर न्यूट्रिशन को हाईलाइट किया हुआ है, इन्होंने 18.2, डबल से ज़्यादा, राइट। तो ये थोड़ी डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगी इसमें। इसमें जो इंडिया का स्कोर है बच्चे 28.7 गिवन है, राइट। तो 28.7 का मतलब यहाँ पे बेसिकली एवरेज्ड परसेंटेज ही है कि 28.7% लोग, राइट, दे हैव हंगर, ठीक है। तो इसका वो मतलब है। और अगर आप नीचे जाएंगे बिल्कुल लास्ट में इसकी कैलकुलेशन गिवन है, लेट अस सी दैट फर्स्ट। इनसे एक डॉक्यूमेंट ले लो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो कैलकुलेशन है, इट इज बेस्ड ऑन 4 इंडिकेटर्स, राइट। बेसिकली इट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ द 4, राइट। पर हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पूछेंगे नहीं आपको। कौन कौन सी? नंबर 1, अंडर नरिशमेंट, विच मीन्स कैलोरी इनटेक इज इनसफिशिएंट। समझो इस बात को, अंडर नरिशमेंट का मतलब है कैलोरी इनटेक इज इनसफिशिएंट। देर इज अनदर टर्म जिसको अंडर न्यूट्रिशन कहा जाता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अंडर नरिशमेंट, दोनों में फर्क है। तो आप अगर चाहो तो लिख सकते हो इसको साइड पे। अगर मेरे को बात सुनगी ना तुम्हारी, तो मैं जवाब दे दूंगा क्लास के सामने। नहीं नहीं, मैं आप करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मेरे को भी मजा आएगा, उनको भी मजा आएगा। एक बारी चेहरे देखो उनके, पहले ही मुस्कुरा रहे हैं एंटीसिपेशन में कि डरना नहीं, अब करनी है बात। देखो तो 3 घंटे की क्लास है, मेरी भी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, इन लोगों की भी होनी चाहिए। ये मैं ऐसी टाइम लगा रहा हूँ ताकि तुम्हारा डॉक्यूमेंट आ जाए। हाँ, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ मैं। ऐसे समझो आज बकरीद है, आप ही बकराओ, आप ही ने खाना है, ठीक है। हाँ बच्चे, अंडर नरिशमेंट की बात कर रहे थे, उसमें है जहां पे मेंशन भी किया हुआ है, हुज कैलोरी इनटेक इज इनसफिशिएंट, राइट अ टर्म अंडर न्यूट्रिशन। ये आएगा यूपीएससी में आपके प्रीलिम्स में, मैच द फॉलोइंग में, जहां पे तुम गलत करके आओगे इसको। अंडर न्यूट्रिशन, इट इंक्लूड्स डेफिशिएंसीज इन इनटेक ऑफ एनर्जी। बच्चे नेक्स्ट पेज पे लिखिए, अगला पेज कीजिए। हाँ, ये हम एक इंडेक्स है उसकी कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें पहले वाले पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। डेफिशिएंसीज क्या लिखा हमने? एनर्जी, प्रोटीन एंड एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब एक चीज नोटिस कीजिए बच्चे इसमें, कि जो आपका अंडर नरिशमेंट है ना, ये सिर्फ क्वांटिटी ऑफ फूड के बारे में बात कर रहा है। हाउएवर, जो आपका अंडर न्यूट्रिशन है, ये आपकी क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी के ऊपर बात हो रही है, राइट। तो दिस इज द एनालिसिस दैट आई एम गिविंग यू। इसके अलावा जो बाकी 3 इनके फैक्टर्स हैं, दैट इज चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी, राइट। और चाइल्ड मॉर्टेलिटी भी कौन सी? आपकी अंडर 5, राइट। और ये भी मुझे लग रहा था कि शायद आप लोग कंफ्यूज हो सको, वहां पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे, राइट। तो आपका जब पहले साल का बर्थडे मनाते हो तो आप 1 साल के हो चुके होते हो, तो ये मत समझना कि 5वां बर्थडे अगर मना लिया है ना, तो वो 6वां शुरू हो जाता है साल, राइट। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये, और ये PCS HCS वगैरह वाले उसको फंसाते हैं इसमें। बहुत बेसिक चीज़ है ये, अगर उनकी नज़र में आ गई तो वो डाल देंगे पेपर में,
राइट। और अगर किसी ने नोटिस किया हो तो यहाँ पे ना दो वर्ड्स हैं कि चाइल्ड स्टंटिंग के आगे लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, एंड चाइल्ड वेस्टिंग में लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। दोनों में फर्क होता है? जो क्रॉनिक होती है बच्चे, मतलब इट इज सेड दैट इट डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और एक्यूट लाइक एक्यूट पेन हमेशा नहीं होता आपके, अचानक शुरू हो जाता है। जो इमीडिएट ऑनसेट होता है उसको हम एक्यूट बोलते हैं, राइट। तो इन दोनों में फर्क होता है। तो ये भी मुझे लग रहा था कि शायद यूपीएससी इस पे पूछ सकती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। तो इन दोनों में फर्क है, और ये फर्क है, क्रॉनिक इज विच डेवलप्स इन लॉन्ग टर्म, और जो आपका एक्यूट है इट इज इमीडिएट ऑनसेट। थोड़ा सा उसके हिसाब से ध्यान रखना आप कि आपके एक्यूट पेन होता है। अगर किसी का आंसर मेरे हत्थे चढ़ गया और उस पर मैंने दे दिया फीडबैक ढंग से, तो आपको एक्यूट पेन होगा, राइट। बट आई वॉन्ट इज कि आपको क्रॉनिक पेन रहे और आप लास्ट में परफॉर्म कर जाओ, राइट। दो तीन किश्तें और रहेगी सर, वो भर के आप सामान आपका। हाँ राइट कोमल, यही है, ठीक है। क्वांटिटी और क्वालिटी वाली चीज समझ में आई है। हमने इससे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये तो गवर्नमेंट ने धज्जियां उड़ाई दी हैं, इसके ऊपर सवाल उस टाइप से नहीं आएगा कि किसने दिया है, रैंक क्या है, वो सब जा चुका है। अब इन चीजों पर सवाल आएगा। और अगर आप एक और चीज में नोटिस कर पाओ तो चार इंडिकेटर में से तीन इंडिकेटर सिर्फ देयर फॉर चिल्ड्रन, राइट। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सारी पॉपुलेशन को, लेकिन तीन इंडिकेटर्स आपके बच्चों के लिए हैं। और बच्चों की हेल्थ के अंदर जेनेटिक्स और रीजन और ये सब चीजें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, कि ये इंडिकेटर सही नहीं है, ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, राइट। बाय द वे एक फैमिन की भी डेफिनेशन है, जो हमने हंगर की लिखी थी ना, ये FAO की डेफिनेशन है, एक फैमिन की भी डेफिनेशन होती है, लेट्स राइट इट डाउन। ये सब चीजें जनरली आती नहीं है नजर के सामने। यार मेरे अकॉर्डिंग छोड़ो आप, मैं आपको मिनिस्ट्री का बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ने बोला है कि इसमें मैलाफाइड इंटेंट है जान पूछ के, मतलब हमारी फूड सिक्योरिटी सही जा रही है, मतलब नो डाउट। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही है आपसे कि क्यों है इंडिया में, है तो है हंगर, तो क्यों है, है ना। तो वो हमारी सप्लाई चेन के ऊपर ज़्यादा है, हम प्रोड्यूस तो बहुत कर रहे हैं, किसी और एंगल पे है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो बोल दिया कि मैलाफाइड है जी, इनकी इंटेंशन सही नहीं है, बदनाम करने के लिए किया हुआ है, राइट। मेथोडोलॉजिकल इशूज़ हैं इसके अंदर, उन्होंने मे भी शायद इसलिए रखा हुआ है कि ये आपके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं चिल्ड्रन, और आपको न्यूट्रिशन मिले ना मिले अपने बच्चों को जरूर देते हो आप, है ना। तो आप बच्चों को मेजर कर लो, डिफेंड तो आप दोनों तरफ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, राइट। उनकी पूरी वेबसाइट पे मैंने देख लिया, उन्होंने इंटेंट नहीं बताया कि ये इंडिकेटर्स क्यों है, उन्होंने इंडिकेटर्स एक्सप्लेन कर रखे हैं। आने से पहले मैं यही दोबारा देख रहा था इसको कि इनकी ये क्या बोल रहे हैं, सरकार का पता है इंडेक्स में रिपोर्ट में क्या आया वो पता है, इनकी वेबसाइट पर उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि यही इंडिकेटर्स क्यों है, राइट। आओ बच्चे, क्या बात कर रहे थे अभी हम, अच्छा जी लिखिए जी, इट्स अ डिस्टिंक्ट कंडीशन, डिफाइंड बाई द UN, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन पॉइंट ले लो, डिफाइंड बाई द UN एज अकरिंग वेन कंडीशंस हैं, नंबर वन एटलीस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन
faces severe food shortages. Second, acute child malnutrition. Acute child malnutrition rates exceed 30%. 30% of the population exceeds 30%. Third, 2 out of 10,000 people die from starvation. 2 out of 10,000 people die from starvation or malnutrition related diseases. कुर्बान किसी खाली पेपर पे लिखना है यार, वो स्टेपल कर लियो। नहीं देखते रहना, देखते रहे, कोई चक्कर नहीं। अच्छा आने वाला होगा वो। आज तुम्हारी एक ही क्लास है ना, इसके बाद है कौन सी वाली? इसके बाद अच्छा पीसीएस वाली जी। हो गया इनको, किस किस के पास नहीं है? ठीक है आ जाओ बच्चे, अब डॉक्यूमेंट देखो। सो यहाँ पे दो कंट्रीज पाकिस्तान श्रीलंका हमसे ऊपर, बेटर रैंक के ऊपर हैं, राइट? और बाय द वे ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो स्कोरिंग है दैट इज बिटवीन 0 and 100, राइट? 0 मीन्स कि कोई हंगर नहीं है, 100 मीन्स कि सारी पॉपुलेशन हंगरी है, राइट? तो ये मतलब है इसका, ये इस स्केल पे चलती है ये। इसको काइंड ऑफ आप परसेंटेज बोल सकते हैं, बट क्योंकि वेटेड एवरेज है तो इसको परसेंटेज बोलना सही नहीं होता। बाकी सारी परसेंटेज भी नापी जाती हैं, उनका एवरेज निकाल दिया जाता है। फिर आइए बच्चे थर्ड पॉइंट देखिए, जो वर्ल्ड का स्कोर है दैट इज 18.3, ठीक है? और 2015 के अंदर जो वर्ल्ड का स्कोर था दैट वॉज 19.1। That means कि over the years improvement आई है। In between वाले जान पूछ के नहीं ली, क्योंकि आपका pandemic hit हुआ था तो उस समय सारे numbers fluctuate हुए थे। So this is the a normal year, right? 2015 एक normal year था इस index के हिसाब से। और ये index ने खुद ही point out किया है, ये observation नहीं है, ये index ने खुद दिया है। Fourth point देखिए, with the country reporting the highest child wasting rate at 18.7%. इस डेटा से ज़्यादा थोड़ी सी हमें मिर्चें लगी थी कि यार ये तो गलत है, ऐसा सही, ये सही नहीं है। ये भी लिखेंगे हम थोड़ा सा इसके ऊपर। नेक्स्ट इज अंडरनरिशमेंट रेट भी बताया हुआ है, दैट इज 16.6, एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट दैट इज 3.1%। ये इंडेक्स के हिसाब से है, विच इज अ पीयर रिव्यूड ओपिनियन पोल बेसिकली, नथिंग मोर देन दैट, राइट? और 3,000 लोगों से भरवाया जाता है ये, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। पीयर रिव्यूड ओपिनियन पोल है एक तरह से ये। ओपिनियन पोल मतलब कि जैसे आप लोग मेनली पंजाब और हरियाणा से बिलोंग करते होंगे, यहाँ पे जो भी बैठे हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल, तो मैं आप लोगों से कुछ कुछ सवाल पूछूंगा रिलेटेड टू आप कि आपके वहाँ पे सड़कें कैसी हैं, लेटर्स से, और आपके आप मैंने पूछ लिया कि सड़कें कैसी है और मैंने एक डेटा निकाल दिया कि पंजाब हरियाणा और हिमाचल के अंदर सड़कें ऐसी हैं, आपने सारी सड़कें नहीं घूमी है, राइट? बट सडनली आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सबको, आपका ओपिनियन है। अब किसी के लिए तो वो ईंट वाली सड़क बहुत सही है कि यार पिंड सड़क पहला सीगी नहीं, फिर सरपंच साहब ने टैलन लगवा दिया, है ना? आपके लिए वही सड़क है। और यही इसी के ऊपर ओपिनियन वो बंदा जो एयरपोर्ट रोड पे रहता है, उसको लगेगा कि यार वहाँ ना सॉलिड मार्किंग नहीं थी,
तो मेरे हिसाब से तो अच्छी नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज ओपिनियन पोल। तो 3000 लोगों के पास वैसे वाला डेटा नहीं होता, हाउएवर दे आर चोजन वेरी स्पेसिफिकली कि वो कौन लोग है, स्टिल दे डू नॉट रिप्रेजेंट, दिस इज नॉट अ सर्वे। हमेशा जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे ना वो डेटा वाली, कि डेटा आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हाईलाइट करके देते हैं जो नॉन इंट्यूटिव होते हैं। तो अगर आप ओपिनियन बेस्ड ही डेटा दे रहे हो तो वो नॉन ओपिनियनेटेड हो ही नहीं सकता, वो तो आपको वही रिप्रेजेंट करेगा जो आप पहले से ही सोच रहे हो, है ना। ये तो सिर्फ आपको रैंकिंग में वो हो जाएगा कि यार देखते हैं कितना रैंक आया है, अब ये ऐसे बोल देता हूँ अब देखते हैं क्या हो जाएगा, राइट उस सेंस में बात कर रहा हूँ बच्चे। आपको सिर्फ टर्म्स वगैरह समझनी है इसमें और ट्रेंड देख लो कि क्या ये ट्रेंड क्या बोल रहा है, बस फिगर्स भी याद नहीं करनी है। हिमाचल वाले कर सकते हो, वो कुछ भी करते रहे, कुछ नहीं पता उनका, आप लोगों का नहीं उनका, वो मूड पे डिपेंड करता है कि कहाँ बैठ के पेपर सेट हो रहा है ना, शिमला में हो रहा है या कसौल में हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस है। फर्दर मोर द प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, लास्ट पॉइंट देखिए आप, द प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट वन ऑफ द इंडिकेटर्स हैज बीन ऑन द राइज, ठीक है, एक एक उसमें इंडिकेटर में बोल रहे हैं कि वो राइज पे है, एंड द नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल, अंडर नरिशमेंट ये वर्ल्ड की बात कर रहे हैं बच्चे, कि अंडर नरिशमेंट ये मतलब ये है अंडर नरिशमेंट है जो एक्चुअली आपकी ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और वही राइज पे है, तो इसका मतलब आपने जो ऊपर ये बातें कही हैं ये थोड़े सालों बाद आपको इसमें इंप्रूवमेंट देखने को दे सकती है, बट अभी के हिसाब से आपकी पॉपुलेशन और हंगर की तरफ जा रही है, ठीक है जी। हाँ जी, क्यों है जी इंडिया हंगरी, वट आर दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हंगर इन इंडिया, ये है आपके लिए, अभी हम करेंगे इसको सॉल्व ना, अभी बताइए आप मुझे क्या क्या लगता है, स्ट्रक्चर देके बोलना थोड़ा सा ना। सोचो बताओ ना, रीजनल डिस्पैरिटी है, व्हाट मतलब कैसे रीजनल डिस्पैरिटी, थोड़ा सा मुझे बताओगे। अच्छा रूरल और अर्बन में, तो इसको सोशल बोल देते हैं ना, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी भी हो सकती है, हालांकि हमारे पास स्कीम्स बहुत सारी हैं, है ना, जैसे पोषण पीएम पोषण और ये सब स्कीम्स हैं हमारे पास, मिड डे मील, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, मिशन लाइफ, है ना, बहुत सारी हमारी स्कीम्स हैं जो इसी को फोकस करती है, इंक्लूडिंग आपकी मिशन इंद्रधनुष, वो भी आपका कुछ कुछ हद तक इसको कवर करने की कोशिश करती है, ठीक है लिख लो इसको, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बोल दें इसको। हाँ भाई जसनूर ठीक रहेगा, प्रभनूर, चलो नूर तो है वो नहीं बुझना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इसमें सब कुछ कवर हो रहा है आपका, राइट आप जब रीजनल डिस्पैरिटी बात करते हो तो उसमें सब्स्यूम हो जाएगी ये पार्ट, रीजनल डिस्पैरिटी इसीलिए आपको हंगरी रखती है क्योंकि वहां पे या तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होगी या तो सोशल डिस्पैरिटी होगी, ठीक है जी, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड पॉवर्टी साथ ही लिख दो, फिर गरीबी नहीं देखती, गरीबी जात नहीं देखती, क्लाइमेट क्राइसिस बिल्कुल, सेकंड इज क्लाइमेट क्राइसिस, बिल्कुल सही ऐसे लिख लो, हाँ वैसे क्लाइमेट क्राइसिस में ही आ जाएगा वो, एक तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो गया और एक ये आपका कैटास्ट्रॉफिक सडन ऑनसेट, आपकी ग्रेनरी के अंदर बाढ़ आ गई जिसने वो लोकल पॉपुलेशन को फीड करना था सारी वीट भीग गई, है ना, तो इनसफिशियंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोल सकते हैं इसको, इसमें आपका पीडीएस भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आ जाएगा, हाँ वो भी आ जाएगा इसमें,
पहले इनके वाला पॉइंट थोड़ा सा उसमें स्ट्रेस करते हैं। हमने क्या लिखा है, क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट क्राइसिस एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, इन्वायरमेंटल शॉक्स लिख लो साथ में, उसमें डिजास्टर कवर हो जाएगा आपका। सही बोल रहे हो, क्लाइमेट चेंज थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो जाता है ज्यादा। ये हमने क्वेश्चन लिखा भी था इस पे, याद है, फूड सिक्योरिटी और ऐसे। तो हाँ, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के ऊपर हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा था। सो यही आने वाला है आपके मेंस के अंदर, यही सब हाईलाइट होता है, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। आप आइडिया क्लियर रखो बस अपना कि क्या हो रहा है, बेसिक सा कंटेंट। बाकी सब जो बाकी टीचर्स करा रहे हैं प्रीलिम में आप करते रहो, कोई चक्कर नहीं है। जितना कंटेंट इकट्ठा करना है यहाँ पे यही सब करना है बस। ठीक है बच्चे, और क्या क्या पॉइंट था आपका भी, लिख लीजिए, इनएफिशिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दो चीजें कवर होंगी आपकी बेसिकली, चाहे एरो डाल के लिख लो, सब ऑप्टिमल क्रॉप यील्ड्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ये तो प्रोडक्शन के पार्ट पे हो गया, सब ऑप्टिमल क्रॉप यील्ड्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। और दूसरा हो गया आपका पीयूष, क्या बोला, सप्लाई चेन, डिस्टॉर्टेड सप्लाई चेन, एंड रिस्ट्रिक्टेड फूड फ्लो। रिस्ट्रिक्टेड फूड फ्लो का मतलब क्या हुआ, फूड फ्लो टू वल्नरेबल पॉपुलेशंस। इकॉनमी मतलब आपके इकोनॉमिकल सेंस आपका फेवर में नहीं है, वो अफोर्डेबिलिटी में बात आ जाएगी बच्चे। हमने लिखा है अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। बाय द वे देर इज अनदर टर्म, उसको हिडन हंगर कहा जाता है, राइट इट डाउन, वो भी एक फैक्टर है हिडन हंगर। ये जो आप बात बोल रहे बच्चे यहां कवर होगा। फेलियर टू मीट माइक्रो न्यूट्रिएंट नीड्स, हाँ यस परफेक्ट, फेलियर टू मीट माइक्रो न्यूट्रिएंट नीड्स। अब ये क्यों है, आपकी अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। दोबारा बोलो इसको कि मेजरमेंट करते हैं ये दमदार पॉइंट है इसको ना, मतलब समझ रहे हो, इसको अलग से लिख देते हैं। लिखो क्या लिखोगे, एक ना इसका बड़ा जनरलाइज सा ऑलरेडी क्रिटिसिज्म चल रहा है, दैट इज लैक ऑफ ऑडिट्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स तो हैं लेकिन उसका ऑडिट नहीं है, राइट। तो यूपीएससी को इस एंगल पे लेके जाएगा, यही लिख लो आप, लिखिए बच्चे, यही बोल रहे थे पीयूष बोल। अच्छा ओ यार, थोड़ा सा साइड स्टेप किया करो उसको, पॉपुलेशन तो है, मतलब आप कैसे करोगे उसको, कि ओवर पॉपुलेशन का वो स्ट्रेस आ गया आपके उसके ऊपर। बट खाना है आपके पास, जमीन प्रोड्यूस कर रही है, हाँ सब, वो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा साइड स्टेप किया करो इस पॉइंट को, कि जब आप बोलते हो ना कि इंडिया का आपने आईएएस ऑफिसर बनना है और आप बोलोगे जनता दिक्कत है, क्या करें, पर्चियां डलवा के मारना शुरू कर दें, इट्स लाफेबल। लेकिन तुम में से एक स्टूडेंट ने अच्छी बहस करी थी मेरे से और रमीज सर से, इसी कैंटीन में बैठ के जहां तुम चाय पीते हो, ही वॉज कन्विंस्ड विद द आइडिया कि AI के हाथ में दे दो, AI विल सेलेक्ट कि कौन जिएगा कौन नहीं जिएगा, एंड द AI विल शूट द पर्सन। आते हैं ऐसे आइडियाज दिमाग में, एंड ही वॉज ब्रेव इनफ टू आर्ग्यू ओवर इट, है ना, इंट्रूसिव थॉट्स बोलते हैं इनको। तो पॉपुलेशन को थोड़ा साइड स्टेप किया करो ऐसे ऐसे मौके के ऊपर, हाउ टू टैकल इट उस पर बात कर सकते हैं। जब अगर इसकी सोल्यूशन की बात करेंगे ना, तो हम बोलेंगे कि TFR को हमें 2.1 तक लेके आना है ना, ओवर द ईयर्स, और उस एंगल पे तब हम जाएंगे।
दिक्कत मत बताओ, नहीं तो अगर वो आपके इंटरव्यूअर ने पूछ लिया ठीक है तो आपने घर में से किन दो लोगों को मारना चाहोगे? सोच के देखो, चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा एक और एंगल इसमें जो अभी तक हमने कवर नहीं किया है इज दैट जेंडर इनइक्वालिटी। अच्छा, लैक ऑफ ऑडिट फॉर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स। जेंडर, आप एक काम करो इसको ऐसे लिखो, जेंडर न्यूट्रिशनल डिस्पैरिटी। हाउसहोल्ड्स के अंदर देर इज अनइक्वल एक्सेस टू फूड एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एज वेल। ये कारण है जो जो हमने लिखा है ना अभी अभी, यू आर राइट कि हम उसको जेंडर वाइज मेजर नहीं करते हैं, राइट पर उसमें इतना ज़्यादा गैप नहीं है कि हम उसको कंसिडरेबली वो कर लें, खासकर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, बल्कि बिकॉज विमेन आर द चाइल्ड बियरर्स तो उनको ज़्यादा चाहिए, तो ये उल्टा, बिल्कुल उल्टा पॉइंट है, उनको बचपन से कम मिलता है लेकिन उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो पॉइंट है ये। यही पॉइंट था आपका? हाँ हाँ, ज़बरदस्ती मोल्ड कर दिया है ना ये इसकी तरफ। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं है ये। जेंडर इनइक्वालिटी एंड क्या लिखा हमने, जेंडर न्यूट्रिशनल डिस्पैरिटी। ठीक है, इसमें आपको समझ में आ रहा है ना कि एक तो अनइक्वल एक्सेस टू फूड, लिखना लिख लो, अनइक्वल एक्सेस टू फूड विद इन हाउसहोल्ड्स। बहुत शॉर्ट में लिखाऊंगा ये बात, पर थोड़ी सी गहरी है। अनइक्वल एक्सेस टू फूड विद इन हाउसहोल्ड्स कॉमा कपल्ड विद डिमांड्स ऑफ मेटर्नल एंड चाइल्ड केयर। ठीक है, दोनों तीनों चीजें कवर होगी इसमें, और हिडन हंगर को वो कर लेना, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बोलते हैं, ये आ सकता है प्री के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस हिडन हंगर, तो वो आपको ऐसे घुमा देंगे अनअकाउंटेड हंगर या कुछ ऐसे करके, तीन ऑप्शन बहुत इंट्रीगिंग से तीन ऑप्शंस देके कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो बस उसमें कुछ नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को कहा जाता है हिडन हंगर। ठीक है, वो एक प्री का टर्म है। इसके अलावा मैं कुछ कुछ अभी आपको इंडिया के प्रोग्राम्स बोलूंगा, तो जिसको जोन से पता है वो मत लिखना, जोन से नहीं पता वो लिस्ट बना लो, ये इसको बेसिक लेवल पर पढ़ लेना। जब भी हम हंगर से डील करते हैं इंडिया में, न्यूट्रिशन से डील करते हैं, यही स्कीम्स हैं जिनके थ्रू होता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू एड्रेस हंगर। ठीक है, ईट राइट, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान जिसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहा जाता है, उसका पार्ट है ये पोषण अभियान, कैपिटल्स में POSHAN, MDM मिड डे मील है ये, MDM स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ क्या था वो वंदना, यही है मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ MATRU मातृ वंदना योजना, NFSA 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, अम्ब्रेला स्कीम है ये, इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष ना दो दो तीन स्कीम्स हैं इंडिया में, एक बैंकिंग से रिलेटेड है और एक आपकी वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, उसके बाद मिशन इंद्रधनुष 2.0 3.0, उन सब में कुछ कुछ वैक्सीन इंक्रीज होती जा रही हैं, राइट। एक और थी यार, गरीब कल्याण योजना, PM गरीब कल्याण योजना,
यहाँ पे एक कमेंट आया कोमल बच्चे, ये जो है ना आपने करप्शन जैसे लिखा है तो ये आपका इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कवर हो जाएगा। सही पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन करोगे तब आप इसके अंदर डाल सकते हो। आइए बच्चे आगे चलते हैं, आज सारे मजेदार टॉपिक्स हैं, ऐसे ऐसे रहेंगे। सो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उसका एक इनिशिएटिव है ये, विच इज कॉल्ड माय भारत, राइट, मेरा युवा भारत, राइट। तो एक पोर्टल बनाने की बात हो रही है, इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म बनेगा जिसके अंदर बेसिकली जितनी भी यूथ से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, राइट, उसको एक जगह पे करने की बात हो रही है। कि कोई मिनिस्ट्री कुछ करा रही है यूथ के लिए, कोई कंपटीशन करा रही है, कुछ करवा रहा है, कहीं पे वॉलंटियर वर्क चाहिए, राइट, तो हर जगह बिखरा पड़ा है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म पे करने की बात हो रही है। आने वाले टाइम में आपको हर चीज़ का सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगी, जैसे हम लोगों ने पिछले 3-4 क्लासेस से लगातार एक कॉमन टॉपिक पढ़ा है, दैट इज़ आपका कि वेदर फोरकास्टिंग और एग्रीकल्चर में उसका भी फ्रेमवर्क आ गया, कि अब एक नेशनल फ्रेमवर्क बनेगा, राइट, और नेशनल फ्रेमवर्क के तहत ही सब कुछ हुआ करेगा, सब कुछ इंटीग्रेट करने की बात होगी। पहले उन्होंने जो जो सेटल करना था, हमने लास्ट ईयर से पढ़ना शुरू किया था अगर आपको याद हो, डॉपलर रडार्स, कि 2025 तक 25 डॉपलर रडार इंडिया के अंदर सेटअप होंगे, वेदर डॉपलर रडार्स, राइट, तो वेदर फोरकास्टिंग की आपका डाटा आना शुरू हो जाए, है ना, तो वैसे करके ये भी एक सेंट्रलाइजेशन चीज ही है। आइए बच्चे देखते हैं, इसके अंदर मैंने आपको मोस्टली प्री स्पेसिफिक पॉइंट्स ही दिए हैं, ज्यादा आपको कुछ भागने की जरूरत नहीं है इसमें। यूथ किसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे, द पीपल बिटवीन द एज ऑफ 15 to 29, अंडरलाइन कर लो उसको, और जो कि आपकी नेशनल यूथ पॉलिसी के तहत आपकी यूथ की डेफिनेशन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी यूथ की डेफिनेशन बिखरी पड़ी है, हर एक्ट अपने हिसाब से करता है, कि कोई एक्ट आपको चाइल्ड को 14 एंड बिलो का करता है, कोई जैसे पॉक्सो एक्ट है वो 18 एंड बिलो को चाइल्ड मानता है, फैक्ट्रीज एक्ट में 14 एंड बिलो को माना जाता है, राइट, एक एडोलेसेंट का एक और एक्ट है, फैक्ट आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उसमें 15 एंड बिलो है, तो हर एक्ट अपने हिसाब से करता है। तो आपको पेपर में स्पेसिफाई किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, राइट, तो जब भी आप कोई भी एक्ट पढ़ो उसमें देख लो कि इसकी एज क्या है। ये जो छोटे मोटे पेपर होते हैं ना यूपीएससी के, जो सीधा ही ग्रुप पे एंट्री देते हैं आपको सिंगल पेपर से, तो उनमें ये चीजें पूछी जाती हैं। अच्छा, हाँ ऐसे ही आता है, यही आता, छोटे वाले पेपर्स में ऐसा ही होता है, डायरेक्टली पेपर आता है, तो अगर उसकी भी आप तैयारी साथ साथ कर रहे हो, है ना, तो आप ये सब चीज़ों को अब मार्क करके रख लो एटलीस्ट, कि जब आप रिवाइज करने पे आओ तो आपकी नज़र वहीं जाए सीधा। आइए बच्चे आगे चलते हैं, एक अलग से कंपोनेंट जो कि एडोलेसेंट्स के लिए होगा वो भी स्पेसिफाइड है इसके अंदर, और उनकी एज ग्रुप है 10 to 19 years। सो बाय द वे, ये पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है वो ये आपको हाईलाइट कर रहा है कि जो यूथ है वो टिल डेट they are the passive recipients of whatever is going on, ये उनको active drivers बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये आपके third point के अंदर mentioned है बच्चे बात। 31st October को launch होगा ये, and that is the National Unity Day, हिमाचल वालों, हाँ कर लो याद। अरमान बच्चे पास करना उनको, एक ना स्टैट लिख लो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, फिर थोड़ा सा मेरा भी इंटरेस्ट बनेगा इसको आगे पढ़ाने में। लिखो, द कंट्री हैज अराउंड, ये कॉन्टेक्स्ट है इस बात का, 40 करोड़ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 years। बच्चे इसी में लिख लीजिए आप साइड पे ना, इसके साइड पे जगह बनी हुई है देखो डॉक्यूमेंट के, अभी हम सेकंड टॉपिक कर रहे हैं, अभी चाहे आप सुन लो, है ना, फिर उसके बाद शुरू कर देना सर। द कंट्री हैज अराउंड 40 करोड़ पीपल
इन द एज ग्रुप ऑफ 15-29 ईयर्स। अब इंपॉर्टेंट लग रहा है टॉपिक, है ना, ये है इसका कॉन्टेक्स्ट, क्यों ये आपके सामने आया आज। इसमें जो बच्चे आपका ऑब्जेक्टिव्स है ना, उसमें आप अगर आप सेकंड पॉइंट देखोगे तो ये इसकी एसेंस है पूरे टॉपिक की। थोड़ा इसको समझिए कि अंडर द न्यू अरेंजमेंट विद द एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड कनेक्शन टू अपॉर्चुनिटीज, यूथ वुड बिकम कम्युनिटी चेंज एजेंट्स एंड नेशन बिल्डर्स, अलाउइंग देम टू एक्ट एज द युवा सेतु बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। युवा भी सिटीजन्स हैं, सेल्फ सेतु वाली बात होगी ये, राइट। और क्या है ये बेसिकली, एक और आप साइड पे लाइन लिख लीजिए ताकि अगर आप दोबारा इसको पढ़ो और रिवीजन, क्योंकि आप मुझे पता है मार्च अप्रैल में करोगे तो दौड़ती दौड़ती रिवीजन करोगे, इसकी एसेंस दे देता हूं आपको मैं। दिस विल बी ए सेंट्रलाइज्ड यूथ डेटाबेस, सेंट्रलाइज्ड यूथ डेटाबेस कॉमा सूटेबल अपॉर्चुनिटीज एंड एन इंटरकनेक्शन बिटवीन वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। सेकेंड पॉइंट लिख लो, देर विल बी नो फाइनेंशियल रेमुनरेशन, इस पर वॉलेंटियर वर्क भी होगा, फाइनेंशियल रेमुनरेशन, ये सारे प्री के पॉइंट्स हैं। फाइनेंशियल रेमुनरेशन नहीं है, पैसा वैसा नहीं मिलेगा किसी को, सर्टिफिकेट ले लो, हाँ वैसे, और जितने भी हैं, अब जो भी कुछ भी हो रहा है। एक ना हमारी विजन 2047 है, मूवी का नाम नहीं है, एक डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट है, विजन 2047, उसके अंदर एक एजेंडा है जिसमें लिखा हुआ है कि आपने रूरल, अर्बन और ररबन, इन तीनों यूथ्स के बीच में जो गैप है आज के टाइम में, जो एक शहर का लड़का है, शहर का जो बच्चा है वर्सेस जो एक गांव का बच्चा है, उसमें क्लियर कट डिफरेंस दिखाई देता है, उसको ब्रिज करना है, राइट। तो विजन 2047 के अंदर वो चीज है, तो समहाउ ना आई फील कि ये जो चीज है ना, ये उस डायरेक्शन में भी जाएगी कि आपकी विजन 2047, लिख लीजिए इसको, चाहे द विजन 2047, मेरे को अगर सुन गया ना अरमान, मैंने खोल नहीं बोल तेरी आज विजन 2047, आज इसको चुप रखते हैं ना पूरी क्लास में, है हमारी कंसेंसस है सबकी, ठीक है। एक बंदा नहीं आया तेरे सपोर्ट में, डेमोक्रेसी अच्छा, विजन 2047 रिक्वायर्स अ फ्रेमवर्क, समझना इस पॉइंट को, दैट कैन ब्रिंग यूथ, रूरल यूथ, ये यूथ रिपीट करना बंद करो, रूरल, अर्बन एंड ररबन यूथ अंडर अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ये उसके एजेंडा का डेटा पॉइंट है बच्चे। विजन 2047 के अंदर एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई है, तो आपको लग रहा है कि समहाउ ये उससे लिंक्ड है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, द प्लेटफॉर्म, ये जिस प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, द प्लेटफॉर्म will create and sustain a, एक नया टर्म आने वाला है आपके लिए, will create and sustain a फिजिटल ecosystem, ये सरकार यूज करने लग गई अब, फिजिटल, PHYGITAL, फिजिकल प्लस डिजिटल,
PHYGITAL, फिजिटल. कि ग्राउंड पे कुछ तो होना चाहिए, फिजिटल इकोसिस्टम. आपके इंस्टाग्राम के ऊपर जितने भी फॉलोअर्स हैं आप देखते रह जाओगे, लाइफ में चल के आपसे आगे निकल जाएंगे, वो वहाँ आपके फॉलोअर्स ही रहेंगे. वो तो वो डिजिटल इकोसिस्टम है, ये फिजिकल लाइफ है. तो ये प्लेटफॉर्म दोनों को मिक्स करना चाह रहा है कि ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होना चाहिए दोनों में, समझ रहे हो. ये इंस्टाग्राम डालना पड़ता है यहाँ पे, है ना, फिर इजीली समझ में आ जाता है. वहाँ के जो ये टर्म है ना कि आपके फॉलोअर्स हैं, ये मेरे को कभी पसंद नहीं आया. कहाँ फॉलोअर्स हैं यार, सारे तो आगे निकले हुए हैं. है ना, मेरे फॉलोअर की मैं स्टोरी देख रहा हूँ जो कि मॉरिशस में. मैं कहाँ से, वो मैं उसका फॉलोअर हुआ ना फिर तो. आइए बच्चे आगे चलते हैं, ठीक है. इसके अंदर बच्चे वो भी देख लीजिए, आपकी आपका डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि उनके अंडर इनिशिएटिव है ये, विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, अभी बताया था आपको, हाँ, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. कौन है मिनिस्टर इसका? अनुराग ठाकुर, राइट. हिमाचल वालों को पता लगने लग गया है अब कि किधर को जाएगी कहानी. अगर हिमाचल का छोटा पेपर आएगा तो वो ये पूछ लेंगे, अगर बड़ा पेपर आ गया तो वो डेप्यूटी पूछ लेंगे. हाँ हाँ, नीतीश प्रमाणिक लिख लो तुम्हारा कुछ, क्योंकि ये तो मेन ही है, है ना. चलिए बच्चे चले आगे. ये फिर से आ गई है रिपोर्ट. इससे पहले हमने, आई थिंक हमने जुलाई के एडिशन में कवर करी थी, एंड अक्टूबर में ये, मतलब दो बार ही आती है रिपोर्ट ये, और जितनी बार आएगी उतनी बार हम IMF को रिपीट करेंगे, उतनी बार इसका ट्रेंड देखेंगे ये क्या बोल रहा है. आपको थोड़ी सी ग्लोबल इमेज मिलनी शुरू हो जाती है, नॉट बिकॉज आपने अभी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने तो खर्चे ही करने हैं अभी, बट बिकॉज इससे आपको ट्रेंड पता लगेगा कि अगर इकॉनमी के अंदर कोई सवाल आता है तो वो किस तरफ का आएगा, राइट. तो ये जो प्रॉब्लम ये हाईलाइट करेंगे, इकॉनमी उसी से कुछ सवाल पूछ लेगी, या तो उसका सोल्यूशन मांग लेगी, या इस रिपोर्ट को खारिज करने को बोल देगी, यू नो, इस टाइप की चीज़ें होंगी. आइए भैया, सबसे पहले तो ना इसका जो रिपोर्ट का नाम है वो आप अंडरलाइन कर लीजिए, टाइटल नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंस. समटाइम्स जो इकोनॉमीज हैं वो आपकी ना कन्वर्ज करती हैं, विच मीन्स कि अगर मेरी इकॉनमी और आपकी इकॉनमी कन्वर्ज कर रही है तो मतलब आप अगर ग्रो करोगे तो मैं भी करूँगा, मेरी और आपकी ग्रोथ इंटरलिंक्ड है. एंड समटाइम्स आपकी इकॉनमीज डाइवर्ज होना शुरू हो जाती हैं तो आपके इंडिकेटर्स के अंदर कोई ज़्यादा लिंक नहीं रह जाता, अलग हो जाती है, राइट. तो ये यही चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं कि वर्ल्ड की जो इकॉनमीज हैं वो डाइवर्ज होती जा रही हैं, राइट, और खासकर यूरोप की, राइट. आइए इसको डिटेल में आप पढ़ोगे शायद से इकॉनमी के अंदर कि व्हाट इज इकोनॉमिक डाइवर्जेंस या ऐसा. हाउएवर UPSC कोई ना कोई नया टर्म ही पूछता है, सो आइदर वो टर्म वो इकोनॉमिक सर्वे से उठाते हैं जो कि आपका 480 पेजों का एक डॉक्यूमेंट आता है, राइट, या फिर वो इस टाइप की करंट अफेयर से आता है. तो करंट अफेयर्स वाला तो मैं आपको बता दूंगा, इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा उसके हिसाब से आप लोग उसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है बच्चे. आइए, बेसलाइन फोरकास्ट ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, जैसे हमारी अपनी ग्रोथ होती है वैसे पूरी अर्थ कितनी ग्रो कर रही है, और अर्थ किसके एक्सपेंस पे ग्रो करती है, ऑफ द एक्सपेंस, ऑन द एक्सपेंस ऑफ रिसोर्सेज, है ना. अल्टीमेटली आप सारी वैल्यू तो रिसोर्सेज से ही डिराइव करते हो, है ना. नहीं अगर किसी को यकीन तो 10 रुपये का नोट खा के दिखाना, आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू नहीं है, ये जो खरीद के दे रही थी उसकी वैल्यू है, राइट. सो अल्टीमेटली आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हो. आइए बच्चे, तो बेसलाइन फोरकास्ट उसने बोला है कि ग्लोबल जो ग्रोथ है वो पहले 3.5% थी 2022 में, जो कि अब 3% के करीब है, और जो प्रिडिक्शन है दैट इज 2.9%, यानी कि ग्लोबल ग्रोथ नीचे को जाती जा रही है. साथ ही में इसके नीचे एक और स्टेटमेंट गिवन है दैट 2000 से लेकर 2019 तक जो एवरेज ग्रोथ थी दैट वॉज 3.8
8% है ना, तो कि उससे कम है ग्रोथ अब। तो ये ऐसा नहीं है कि मान लो उन्होंने पेंडेमिक वगैरह का डाटा बीच में से हटा रखा है वैसे, है ना, फॉर ऑब्वियस रीजंस, इन्होंने तभी 19 तक का रखा हुआ इधर। तो आपको समझ में आ रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ कम हो रही है, और ये एवरेज होती है, ये एडजस्टेड होती है। ऐसे नहीं है कि उस समय प्राइसेस कम थे अब ज़्यादा हो गए इस वजह से ग्रोथ कम है, नहीं, वो एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, डिफ्लेट करते हैं प्राइसेस को कंपेयर करने के लिए। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, IMF है, राइट, तो इन्होंने रशिया और यूक्रेन और कोविड, इनको एज अ फैक्टर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। आने वाले टाइम में देखते हैं कि रिपोर्ट्स ये अर्मेनिया, अजरबैजान, इसराइल, पैलेस्टीन, राइट, और बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं, राइट, इनको हाईलाइट करती है या नहीं। बट ये क्योंकि पावर फैक्टर्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं तो कम देखने को मिलता है कि ये आए। रशिया को तो ओपनली टारगेट किया जाता है ना, और इसलिए कह भी दिया रिपोर्ट के अंदर, मेंशन ही कर दिया। लेट्स सी आने वाली रिपोर्ट्स में, जनवरी तक आ जाएंगी वो वाली रिपोर्ट्स, देखते हैं। चाइना की इकोनॉमी को आप जो हाईलाइटेड पॉइंट है आपका थर्ड वन, इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% विच इज़ हायर देन दी 3%, है ना। चाइना की इकॉनमी को भी ग्रो करने की बात कर रहा है वो। इसके अलावा जो इससे नेक्स्ट से नेक्स्ट पॉइंट है, द IMF एक्सपेक्ट्स ग्लोबल इन्फ्लेशन इन 2024 टू राइज एट 5.8%, ग्लोबल महंगाई फास्टर देन 5.2%। ठीक है बच्चे, चेंज हुआ है ट्रेंड। अब क्योंकि इन्फ्लेशन है, अब इस चीज को समझो, क्योंकि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब आपके मनी की वैल्यू कम होगी। अब जो आप 10 रुपए से खरीद पा रहे थे, अब नहीं वो खरीद पा रहे, अब आपको 2 10 रुपए के नोट देने पड़े, हाइपोथेटिकली, है ना। सेम चीज है, लेट अस से कि ये पेन है, ये आपको पेन पहले 10 का मिलता था, अभी आपको 15 का मिलने लग गया है, तो पेन की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, आपकी मनी की वैल्यू कम होगी। तो पहले एक नोट में जो हो रहा था, अब आपको 1.5 नोट लग रहा है, ठीक है, तो मनी की वैल्यू कम होगी। अगर आप मनी की वैल्यू कम हो गई है, तो मनी की वैल्यू कैसे बढ़ाओगे आप, मनी की सप्लाई कंट्रोल करके, कि अगर पैसा सबके पास होगा तो मतलब उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होगी ही, राइट। थार में आप इसलिए गेड़ियां मारते हो जाके, सप्लाई कम है उसकी, तो एक परसीव्ड वैल्यू है कि ये वैल्यूएबल चीज होगी है जी, समझ रहे हो। तो क्योंकि आपके जो नोट की वैल्यू है वो कम हो गई है, तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो लोग टाइट मनी पॉलिसी अपनाते हैं, इकोनॉमी में पैसा फ्लो कम करवा देते हैं, तो आपकी नोट की वैल्यू फिर से बढ़ जाती है, और आप वापस से 10 रुपए का पेन आपको 10 में मिलना शुरू हो जाता है, राइट। सो यही उसने हाईलाइट किया। अब क्योंकि मनी से मनी फ्लो कम हो गया, तो आपकी ग्रोथ कम होगी, समझ रहे हो ये कैसे लिंक हो रहा है। ट्राई करो इसको समझने का, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल बात है, ये बहुत सिंपल बात है। जिस दिन आपको ये क्वेश्चन समझ में, ये बात समझ में आ गई, आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। UPSC पिछले 10 साल से इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल पूछ रहा है परसिस्टेंटली, कि आपको मनी के वैल्यू का मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका मनी की वैल्यू को समझने का यही है, कि आपके नोट की एक वैल्यू है, अगर वो वैल्यू गिर गई, आप वो सामान नहीं खरीद पा रहे, तो मतलब इन्फ्लेशन है, उसको टैकल करना है, तो वो सरकार मनी सप्लाई को कम कर देगा, है ना, डिमांड सप्लाई होता है ना। आइए बच्चे, द ग्रोथ हैज लैग्ड ऑन द अकाउंट ऑफ, इसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, जिसमें वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है, है ना, बैंक्स तक पैसा कंट्रोल्ड वे में पहुंचाता है, महंगा कर देता है पैसा बेसिकली, है ना। उसमें लिख भी दिया है, सेंट्रल बैंक्स हैव केप्ट द मनी सप्लाई टाइट, मतलब ये कंट्रोल्ड, टू फाइट इन्फ्लेशन विच रोज टू 8.7% इन 2022। और क्या है, अब क्योंकि टाइट मनी पॉलिसी होगी है, तो इन्वेस्टमेंट रुकेगी बेसिकली। आपने जो आपकी जेब में जो नोट है, वो आपने तो नहीं छापा, सरकार छाप के दे रही है, मतलब आप अंडर कंट्रोल हो किसी के, किसी सिस्टम के आप अंडर कंट्रोल हो। तो वहां से अगर मनी सप्लाई टाइट होगी, तो जो बंदे ने लोन लेना था और उसके बाद में लेट अस से कोई शॉप खोलनी और बंदे हायर करने थे और सामान बेचना था, ये सब वो नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो जिन बंदों के पास पैसा जाना था उसके वेंडर्स को, ये सब वो भी रुक गया, राइट। हाँ, तो ये वो बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स लोअर हुई हैं, वो भी एक कारण है।
ठीक है, और एक एडवाइस दी है नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखेंगे, इसमें कहीं पे मेंशन है कि रिपोर्ट आईएमएफ की, हाँ आईएमएफ की रिपोर्ट है, दो हजार सोलह का एक क्वेश्चन था, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, और चार ऑप्शन थे, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, राइट, आपका आईबीआरडी और ओईसीडी, राइट। तो इसका मतलब इस टाइप के सवाल आते हैं उसके अंदर, कौन देता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आईएमएफ। हमने इसकी लिस्ट बनाई हुई है, याद कर लो उसको, आईएमएफ की मेजर रिपोर्ट्स की लिस्ट बनाई हुई है ना, हाँ उसको याद कर लो, ऐसे सवाल आते हैं। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी इन्फ्लेशन को टैकल करना चाह रहे हैं। इन्फ्लेशन में क्या होता है, आपकी ना एक बोगस वैल्यू हो जाती है प्रोडक्ट्स की, तो पहले उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको अभी अभी सीधा सीधा एक लिंक आपको पहले भी बताया था कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ का बड़ा सीधा लिंक है, तो हमारी एमपीसी ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कितनी रिकमेंड कर रखी है इन्फ्लेशन, 4+-2, तो 4% महंगाई तो होनी ही चाहिए ग्रोथ के लिए, जरूरी है, तो ऐसे लिंक होता है ये। तो आप ये नॉब है ना उसके पास, ये उसके पास में नॉब है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोसाइटी में पार्टी कर रहे हो, कुछ इन्फ्लेशन तो होनी ही होनी है। मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब इट्स अ नॉब ना बेसिकली, वॉल्यूम कंट्रोल है यार। अगर आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, तो इसका सोल्यूशन ये है, जब आंटी आ रही है आवाज कम कर लो, जब जाएगी तो आप एडजस्ट करते रहो, एक बंदा बिठा दो परमानेंट डीजे पे, विच इज योर एमपीसी, ठीक है, डीजे एमपीसी इन द हाउस। हाँ तुमने कॉम्प्लेक्स कर दिया, पता मेरे लिए भी, दोबारा बोलो, ज्यादा इन्फ्लेशन को कम कर रहे हैं। हाँ यस, क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ना इनकम के हिसाब से, हमारी इक्विटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि आपको मैंने बताया था इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी चल रही है अभी, मोर देन 1,32,000 पर पर्सन पर मंथ है, इतनी इक्विटी नहीं है बच्चे। तो जब इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं तो वो सबको इक्वली नहीं हिट करती है, एक के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। मान लो पीयूष ने टमाटर खरीद के रख लिए, पहले इसको पता था कि वो होर्डिंग होने वाली है, जैसे वो कर्नाटका के एक फार्मर का नहीं आया था, 2.68 करोड़ के उसने टमाटर बेच दिए थे, उसका हार्वेस्ट निकल आया उस समय पे। तो इन्फ्लेशन सबको बराबर हिट नहीं करती है, इसलिए हमें इन्फ्लेशन, अगर यही रहेगा तो हम ग्रोथ वर्सेस हाई इन्फ्लेशन, हम ग्रोथ को सेकेंडरी कर देंगे उस समय, क्योंकि इन्फ्लेशन को टैकल करना वो हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का एक अंश है ना। आप अफोर्डेबिलिटी को नहीं आप स्टेक पे रख सकते। दोबारा करना इसके ऊपर चर्चा, मेरे को भी मजा नहीं आया इसके आंसर करके, आना बाहर आना, दोबारा पूछना, नहीं नहीं धमकी नहीं है। चले आगे, साइंटिफिक नेम है ये, रिवर डॉल्फिन। हमारा क्या है ये, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये, हाँ, और ये ब्लाइंड होती है, एसेंशियली ब्लाइंड,
इसलिए ये फोटो डाली है यहाँ पे ताकि याद रहे आप लोगों को। क्या कह रहे हो? हाँ, इनके कोके बड़े सुंदर होते हैं। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, मैं तो मजाक करूंगा ही ना यार, मैंने आपको पहले भी बताया है, 3 घंटे की क्लास है, ये चौथी पांचवी बार है जब मैं ये कंटेंट पढ़ रहा हूँ। आइए बच्चे, एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट किसने दी है, क्या दी है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक एनवायरनमेंट इशू इससे हाईलाइट हुआ है बच्चे, राइट? तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बिटवीन 2013 एंड 2020 तक लगभग 24 रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए थे, जिसमें से इनको रेस्क्यू किया गया था इन कनाल्स, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने इरिगेशन कनाल्स करी है। प्रॉब्लम क्या होती है कि वहां पे ना कनाल्स के अंदर, क्योंकि इरिगेशन के लिए तो वाटर स्टेबल नहीं रहता, तो ये प्रेज का पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाती है एंड देन दे गेट स्टक, देन दे हैव टू बी रेस्क्यूड। तो 24 रेस्क्यू ऑपरेशन हुए थे जिसमें से 19 वर सक्सेसफुल एंड 5 रिवर डॉल्फिन्स दे डाइड ड्यूरिंग द रेस्क्यू, है ना? तो ये हमारे लिए एक इशू का मुद्दा है कि क्यों हो रहा है ऐसा। थोड़ा सा हाईलाइट देख लेते हैं इसके अंदर। बिटवीन 2013 एंड 2020 24 रेस्क्यू ऑपरेशंस वर कंडक्टेड इन द गंगा घाघरा बेसिन। तो ये रिवर सिस्टम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब ये भी देख लेंगे थोड़ा सा। रिपोर्ट के हिसाब से जो की फाइंडिंग्स है, दैट इज द डैम्स, सेकंड पॉइंट, डैम्स एंड बराजेस हैड सेवरली अफेक्टेड दिस हैबिटेट एज डॉल्फिन्स मूव इनटू इरिगेशन कनाल्स, ठीक है, वेयर दे आर एट अ रिस्क ऑफ इंजरी और डेथ फ्रॉम मल्टीपल फैक्टर्स सच एज रिसीडिंग वाटर्स, हीट स्ट्रोक एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस, ठीक है, एज बहुत सिंपल पॉइंट है, इतनी सी चीज हाईलाइट हो रही है इसके अंदर। ओवर ये एक और डेटा पॉइंट है इसके अंदर, ओवर 70% ऑफ एंट्रैपमेंट्स वर रिपोर्टेड आइदर पोस्ट मॉनसून और ड्यूरिंग पीक विंटर्स। पोस्ट मॉनसून क्यों? सही, हाँ, पानी का लेवल फ्लक्चुएट होता है, आप उसको इधर उधर निकालने की कोशिश करते हो तो ये भी इधर उधर निकल जाती है। व्हाट आर द थ्रेट्स टू गंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स, क्या क्यों हो रहा है ये? एक तो वही हो गया, क्या बोलोगे इसको तुम, क्या हो रहा है ये, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हैं इसको? हाँ करेक्ट करेक्ट, लिख लो इसको, थ्रेट्स करके लिख लीजिए इसको। दो गाने मेरे बाकी सब चीज़ इसमें कवर्ड ही है बच्चे। एक चीज़ जो और इसके अंदर है, दैट इज़ क्योंकि इन्वायरमेंट वाला पॉइंट उठा था, इन्वायरमेंट वाले पॉइंट से डायरेक्ट चीज़ ये निकलती है दैट दे हैव लिमिटेड प्रे बेस, इस वजह से इनको इधर उधर घूमना पड़ता है। तो अगर इनकी प्रे बेस इनके एरिया के अंदर रहेगी प्रॉपर, है ना, तो लिख लीजिए अभी लिमिटेड प्रे बेस। और कैनाल जो है वो एक बढ़िया प्रे बेस नहीं होता, वाटर रैपिडली मूव करता है, रैपिडली रिसीड करता है, कभी है कभी नहीं है, तो प्रे फिशेज वहां पे नहीं होती। जिनका शिकार होना होता है वो बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं, कंफर्ट जोन नहीं ब्रेक करते हैं वो, मैं फिशेज की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो अगर शिकार होने से बचना चाह रहे हो तो कंफर्ट जोन छोड़ दो। सीजनल वाटर फ्लो, कनाल्स में सीजनल वाटर फ्लो रहता है, है ना, तो वो भी इसका एक सब पॉइंट हो जाएगा बच्चे। एक चक्कर रिवर डॉल्फिन्स का मारा है फिर जाके, आज उसके बारे में लिखते हैं कुछ, रिवर डॉल्फिन्स।
कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर एंड इज एसेंशियली ब्लाइंड. हंट बाय, नेक्स्ट इज हंट बाय एकोलोकेशन. echolocation, echolocation. frequently found alone, ये ज्यादा बड़े ग्रुप्स में नहीं रहते हैं, या तो बहुत छोटा ग्रुप होगा या फिर frequently found alone. Frequently found alone or in small groups. Bracket में लिख लो, mother and calf. Dolphin के बच्चे को भी बछड़ा बोलते हैं, ठीक है. Mother and calf travel together. क्योंकि mammal है ना, इसलिए. नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, जिसको नहीं पता. और एक हिमाचल स्पेसिफिक पॉइंट दे देते हैं, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. अकॉर्डेड 5th अक्टूबर एज नेशनल डॉल्फिन डे. ये आपको उसमें पूछा जा सकता है, आपके इंटरव्यू वगैरह में, वो उलझाने वाली जब कोई चीज डालनी होती है ना पूछने के लिए. अकॉर्डेड ACORDED 5th अक्टूबर एज नेशनल डॉल्फिन डे. लास्ट ईयर ही किया था ये, 2022 में. हाँ है ये, और एक और है, फॉरगेटिंग द नेम. प्रिस्टीन उसमें ही रहते हैं ये, प्योर प्योर वाटर में ही रहते हैं ये, जहाँ पे प्रिस्टीन एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे ये थ्राइव करती हैं. पर क्योंकि लिमिटेड प्रे बेस है तो उसका पीछा करते करते ये कनाल्स में आ जाते हैं ना. इसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, वो भी आप मेंशन कर लो. डॉल्फिन को आज निपटा दो. नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये पटना यूनिवर्सिटी में है, ऐसी कॉलन डाल के पटना यूनिवर्सिटी. डॉल्फिन सेंचुरी, ये आपकी बिहार में ही है, इसको विक्रमशिला गैंजिस डॉल्फिन सेंचुरी बोलते हैं वैसे, यही लिखना चाहिए था हमें, विक्रमशिला गैंजिस डॉल्फिन सेंचुरी. डॉल्फिन डे हमने लिख लिया, राइट. प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये 2021 का प्रोजेक्ट है. ये वही प्रोटेक्शन ऑफ रिवराइन डॉल्फिन्स एंड देयर इकोसिस्टम, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर और आपके सारे है ना बाकी, हाँ उस लाइन पे है ये. किस मिनिस्ट्री के अंडर होगा ये? ओए बहुत सिंपल है, गैस ही मार लो ठीक निकलेगा.
एनिमल है ये, एनिमल की प्रोटेक्शन कौन करता है? एक ही मिनिस्ट्री है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। या तो जवाब दे दिया करो या मेरे को एक चाकू दे दो, ठीक है? मैं नस काटूंगा तुम्हारे सामने, इतनी सिंपल चीज तुमको नहीं। ऐसे मत किया करो, बहुत सिंपल है ये। लिया करो बच्चे गैस, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, कुछ कुछ इसमें कोई बहुत घूमी हुई चीज नहीं है। थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको वहां पे पेपर में गैस लेने में। अगर यहाँ डरे सहमे रहोगे तो वहां पे भी सिंपल क्वेश्चन, जैसे एक एक सवाल आया था, आई रिमेम्बर 2021 या 2020 में वो सवाल था कि देयर वाज अ स्कीम, जिस स्कीम के अंदर नाम था कि ट्राइबल वेलफेयर बोर्ड इज अंडर विच मिनिस्ट्री, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि जब ट्राइबल अफेयर्स की एक पूरी मिनिस्ट्री है तो ट्राइबल बोर्ड उसी के अंडर होगा ना। बच्चे छोड़ के आ गए थे कि यूपीएससी ने पूछा है तो गड़बड़ ही होगी, राइट? सो इस टाइप की चीज में ले लिया करो गैस। डरो मत, मैंने काटना छोड़ दिया है 2 साल पहले, आपको कुछ नहीं कहूंगा मैं। आप बताया करो आंसर, सिंपल है। कंजर्वेशन स्टेटस लिख लेते हैं इसका। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1, हाईएस्ट प्रोटेक्शन ही मिलेगी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ईयर बता दोगे इसका यार अब तो? हाँ, 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, शेड्यूल 1। साइट्स, CITES कैपिटल्स में। बच्चे आपने शुरू करी है अभी तैयारी, जो नए आपकी स्टार्ट ही हुई, फर्स्ट क्लास है आपकी, आपकी भी फर्स्ट क्लास है? अच्छा, तो आप कोशिश करना कि जो हो रहा है उसको थोड़ी सी सेंस बनाने की, 6 महीने बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। उसके बाद में आप यही नोट्स आपके लिए सेंस बनानी शुरू कर देंगे। जैसे अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा क्या चीज़ है, साइट समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। बेसिकली सारी कन्वेंशन, एक एक्ट है और एक कन्वेंशन है कि करना क्या है बेसिकली, राइट? गवर्नमेंट्स, ऑल द गवर्नमेंट्स मिलके बनाती है वर्ल्ड वाइड, ये वो उस चीज के बारे में बात हो रही है। साइट्स, अपेंडिक्स 1। साइट्स का ईयर बता दोगे अगर थोड़ी मेहरबानी होगी? नहीं, क्लोज 73। फ्यूज यही होता है थोड़ा सा, एक्चुअली वहां पे भी तुम कंफ्यूज हो गए। हाँ, और हिमाचल वालों से तो क्या ही पूछूं मैं ईयर्स का, इनका वो हिमाचल का पेपर देख रहा था मैं तो उसमें लगभग 12 क्वेश्चन सीधा यही थे कि इसको लाइन में लगा दो। हाँ, यही है कि उसने साइट्स लिख दिया, है ना, और CMS लिख दिया, है ना, बॉन कन्वेंशन और ये सब लिख दिया, और उसमें बोला कि इन चारों को क्रोनोलॉजिकली लगा दो। क्या क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है अब। लेकिन इसका 73 का 74 हो गया क्लास में, जहाँ पे वो बिल्कुल कामली बैठा हुआ है। तो पेपर में जब हड़बड़ाहट होगी, जब आप आती हुई चीज़ को भी डाउट कर रहे होंगे, है ना, तो वहाँ पे थोड़ी मुश्किल हो जाती है ऐसे मौके पे। नेक्स्ट इज CMS, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, वन, सब में वन। CMS अपेंडिक्स 1, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, ये एक और नाम से भी जानी जाती है वैसे। कौन सी कन्वेंशन है ये, सुनी हुई है सबने? ईयर बता देता हूं 1979। सोचो। हाँ, परफेक्ट, बॉन कन्वेंशन, बॉन कन्वेंशन बोलते हैं इसको। तो आपको वो कंफ्यूज करने के लिए करते हैं ये, क्योंकि आप लोगों ने लिस्टें बनाई होती है बॉन कन्वेंशन, बेजिल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, है ना, इस सब की लिस्ट बना रखी होगी, ऊपर नीचे करके सब सही करके लगा रखी होगी, लेकिन वो ऐसा सा नाम दे देंगे CMS। एक बार का तो मुझे भी सर्च करना पड़ा था कि यार CMS पढ़ा पढ़ा तो लग रहा है लेकिन है क्या, इमीडिएटली कनेक्ट नहीं हुआ। तो CMS इज योर बॉर्न कन्वेंशन। IUCN रेड लिस्ट, एंडेंजर्ड। मैंने पूछना ही नहीं।
बच्चे नेक्स्ट पेज आप इसमें एक आपके नोट्स में देखिए आप हैंडआउट में अबाउट घाघरा रिवर, ठीक है जी। ये डायग्राम बना लीजिए साथ साथ, और जो जो आपके यहाँ पे मेंशनड है ना अब उसको एक बारी डायग्राम में लगा लीजिए। आइए साथ साथ करते हैं। सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयन तिब्बत से शुरू होती है ये रिवर, राइट, और ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है मेन रिवर। ये खुद से ये इन दो रिवर से मिलके बनती है, राइट। इनके जो जो भी पॉइंट्स हैं वो हमने इसके अंदर नोट्स के अंदर आपके मेंशनड है। नेपाल में इसको कर्णाली रिवर के नाम से जाना जाता है। जिस रिवर का कैरेक्टर मेंटेन्ड रहता है और उस रिवर के नाम पे मेन रिवर हो जाती है, ठीक है जी। जैसे पार्वती रिवर ब्यास रिवर में मिलती है आके भुंतर के पास में, सो उसके बाद में पार्वती रिवर क्या होती है, ब्यास। है ना, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लग रहे हैं ना लास्ट टाइम के वो नॉन ड्यूलिज्म वाला, कि आप ऐसे मिले दूसरे में जाके आपका वजूद खत्म हो गया। हाँ, तो ये सारी चीजें नेचर से उठाई हुई हैं, कुछ अलग नहीं है। ईच एंड एवरी मेटाफर इज देयर, ईच एंड एवरी मेटाफर इज देयर एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़े टाइम में आपको ना मजा आना शुरू होएगा कि जब आप इसको और डिटेल में पढ़ते जाओगे ना, जैसे अमीर खुसरो वगैरह पढ़ोगे तो खुसरो ने लिखा हुआ है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया जो डूबा सो पार, और ये टाइप की आपको गुरबानी में भी सुनने को मिल जाती है। देन यू रियलाइज कि राधा कृष्ण पढ़ते आए हो, राधा इज नथिंग बट उल्टा ऑफ धारा, है ना। सो इफ यू वॉन्ट टू मर्ज, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरकनेक्टेड है। तो आपको थोड़े टाइम में जैसे ही आपका सारा नॉलेज बेस तैयार हो जाएगा, ये आपको बहुत मजा आने वाला है द मोमेंट यू स्टार्ट कनेक्टिंग। बना लिए इसको बच्चे? देखो यहां से निकल रही है ये, तो ये गंगा की कौन सी बैंक ट्रिब्यूटरी हुई, लेफ्ट बैंक, जिधर को रिवर फ्लो हो रही होती है यू फेस टुवर्ड्स दैट साइड, और देन यू डिसाइड कि अगर रिवर इधर से आ रही है तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इधर से आ रही है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और अगर राइट लेफ्ट में अगर कंफ्यूज होते हो तो मुझे माफी ही दे देना फिर तो। फिर क्या क्या क्या, अच्छा भाई अरमान बुरी लगी तेरी बात, मेरे को ऐसे नहीं करना, मैं तो मजाक में बोला था। कोई एक बच्चा स्पीड डायल पे 112 डाल के रखे, जैसे ही अरमान मेरी तरफ चल के आएगा आपने डायल कर देना है, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चे, चलें आगे, सिंपल इनफ। ये जो आपको मैंने अबाउट में यहाँ पे लिख के दिया हुआ है ना इसके अंदर, इसको प्लीज केयरफुली एक बारी रीड कर लेना, इसमें से ना स्टेटमेंट्स निकलने वाली हैं, क्योंकि ये रिवर सिस्टम हाईलाइट हो गया है और ये रिवर सिस्टम आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि ये नेपाल के थ्रू और इसके अंदर और भी एलिमेंट्स एडेड है, एनसीईआरटी के अंदर इन रिवर के नाम नहीं है, ठीक है। तो ये अलग से पढ़ने ज़रूरी है, इसीलिए आपको डिटेल में प्रिंट ही करके दे दिए गए हैं। नीडलेस टू से कि आपने एनसीईआरटी वाली सारी रिवर्स को रगड़ना है अच्छे से, ठीक है, उसको पी जाओ सारी रिवर्स को कि कहाँ पे क्या है, स्टैटिक नॉलेज है वो बदलेगी नहीं। सो दैट इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रिलिम्स और मेन्स में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं। अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ।
लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024। इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू। नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा। क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी। नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं। दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs। जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर, उसको वीकली PDF के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपको कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट। जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट। दिस इज द त्रिशूल मॉडल। अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो। अगर आपने सोच लिया है, वी हैव ड्रीम्ड इट, वी कैन डू इट। जिद से जीत तक।